यही लोगों के अंदर प्रतिभा होती है सिंगर बनने की। ये जो आपने पिछले दिन देखा ना लता मंगेशकर को जिसकी डेथ हो गई है, इसने इतना मतलब कि इतने दुख देखते हैं लता मंगेशकर ने, क्योंकि इसकी पिता की जो डेथ थी जब 12 साल की थी लता मंगेशकर, इसके पिता की डेथ हो गई थी, लेकिन इन्हें हार नहीं मानी, इसने कोशिश की। लेकिन पहले क्या हुआ, जब फिल्मों के अंदर इसको इसने अपनी आवाज देनी शुरू की तो इसको चेक कर दिया गया, बोलते नहीं इसकी आवाज पतली है, यंग चलेगी। लेकिन आज वो दुनिया के नंबर वन सिंगर थी, पूरी दुनिया, पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया रोई जब उसकी डेथ हुई। उसके अंदर काबिलियत थी ना, क्या जहां का कोई बच्चा सिंगर नहीं मान सकता। उसके बाद प्लेइंग में नाम कमाने का हमें मौका मिलता है, जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर हैं, क्या निशाने का कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। जरूरी टीचर ही बनना आपने, ये छोड़ दीजिए कंसेप्ट जो टीचर बनने वाला है, जो टीचर बनने वाला कंसेप्ट है भैया, छोड़ दीजिए इसको। आप किसी इंडस्ट्री में आप मिलकर डेयरी खोल सकते हैं। आज जम्मू के अंदर मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिन्हें 100-100 लोगों को काम दिया हुआ है, और वो डेयरी चलाने के बाद भी आज करोड़पति लोग हैं। कभी किसी ने सोचा इन बारे में? आप सोचते हैं बात भाई मैं बीए करूं, एमए करूं, मैं टीचर लग जाऊं, चलो नहीं, ये कंसेप्ट गलत है। हाँ, एजुकेशन हासिल करने में कोई बुराई नहीं है, आप एमए करो, आप बीए करो, आप पीएचडी करो, आप स्कॉलर बनो, लेकिन साथ साथ जो है प्राइवेट सेक्टर में भी अपना जो है ध्यान दो। बहुत सेक्टर है यहाँ पे, बहुत प्राइवेट सेक्टर इतने हैं, इतनी स्कीमें गवर्नमेंट ला रही है। मैंने भी बड़ा छोटे से काम शुरू किया था, छोटे से मैं अपनी बात बताऊंगा, बोलोगे आप अपनी बात बता रहे हो। मैंने बिल्कुल एक जमीनी तरह से शुरू किया था, एक फर्नीचर का काम, और आज भगवान की दया से मेरे पास 50 लोग काम करते हैं, मैंने नौकरी दी है लोगों को। मैं इसीलिए कहता हूं कोई भी सेक्टर चुन लीजिए आप, लेकिन टीचर मत बनना। टीचर नहीं बने, किचन मारे में बहुत पुत्र आ गए, आगे बहुत टीचर बनो, ये दहर होंगे टीचर आ जाएंगे, और भी आज सारे नहीं मेरी बात मानेंगे, सारे नहीं मानेंगे मेरी बात। हाँ, अगर बनना ही है ना आपने, तो प्रिंसिपल बनो, जैसे सुरेंद्र जी बैठे हुए हमारे सामने, बात समझे मेरी आप? आप कोई भी सेक्टर ले लो, प्राइवेट सेक्टर भैया, आप आज गवर्नमेंट इतनी मदद कर रही है ना प्राइवेट सेक्टर में लोगों की, आज बच्चों को उठाने में इतनी मदद कर रही है ना, करोड़ों रुपए का लोन जो है गवर्नमेंट दे रही है। आओ आगे काम करो। ये देखो आपके पास एक शहतूत लगा हुआ है, इसका रेशम बनता है, क्या किसी ने सोचा कभी रेशम की फैक्ट्री यहां पर लगाई जाए? ये जो हमारा रेशम यहां से बंगाल में जाता है, हजारों रुपए लाखों रुपए इसका किराया लगता है, क्या हम यहां पर इसको शुरू कर सकते? यही सेक्टर है। अभी मैं बोलने चल लगूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, मुझे सिर्फ 5-7 मिनट का टाइम दिया गया था। बहुत सेक्टर है बनने के लिए। आप मॉडलिंग में जाओ, मॉडलिंग में जाओ, आप जैसे बच्चे मॉडलिंग में जाते हैं ना, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं वो, मॉडलिंग में जाओ आप, स्पोर्ट्स में जाओ आप सिंगिंग में जाओ आप फिल्मों में जाओ आप। हाँ, ऐसे लोग बनते हैं ना, ये जो फिल्मों में एक्टर होते हैं, हमारे जम्मू के कितने बच्चे गए हुए हैं, निशहरे के किसी बच्चे ने ट्राई किया है कभी फिल्म जाने के लिए? मॉडलिंग में ट्राई किया कभी आपने? आप जैसे खूबसूरत बच्चे होते हैं जो मॉडलिंग में जाते हैं, इसमें क्या, इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। मैं कितनी कितनी बेटियां देखता हूँ, इतनी खूबसूरत होती है, मैं कहता हूँ यार शायद काश ये फिल्मों में होती हूँ। इतने इतने मैं अपने नौजवान देखता हूँ, इतने इतने स्मार्ट लोग देखता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं कईयों को कहता भी हूँ, मैं कहता हूँ यार अपना फिल्मों में कैरियर आजमाओ अपना, लेकिन वो मेरी बात जो हंसी में टाल देते हैं, हंसी में मत टालना ये मेरी बात। मेरी बात याद रखना कि हम अगर एक फिल्म एक्टर के अंदर जो चीजें हैं वो हमारे अंदर भी हैं, एक सिंगर के अंदर जो चीजें हैं वो हमारे अंदर भी हैं, उनकी 6 आंखें नहीं है, उनकी भी 2 ही आंखें हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में चलो, अपना बिजनेस खोलो, अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान दो, और बाकी अगर किसी ने कोई बात पूछनी हो, मेरे से कंसल्ट करना हो गवर्नमेंट की स्कीमों के बारे में, वो मैं सबको बता सकता हूँ क्या क्या स्कीमें चल रही हैं,
अभी इतना टाइम नहीं है बात करने का, लेकिन लास्ट में मैं यही कहूंगा कि आप नौकरी लेने वाले मत बनना पुत्र, आप नौकरी देने वाले बनना, और अच्छे की तरह कम ध्यान देना, जो बनते हैं उनको पढ़ने दो, आप बड़े बड़े ऑफिसर बनना। थैंक यू सर। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं कि टीचर का पेशा छोड़ दो, गवर्नमेंट जॉब का छोड़ दो, प्राइवेट जॉब का छोड़ दो, आप मेरे को यह बताओ कि सोशल मीडिया से हम कैसे कमा सकते हैं? आपके सोशल मीडिया पे देखिए, पूरी बात आने दीजिए आपके, जो मैंने बड़े गाने देखे हैं फेसबुक पर, सुनता हूँ मैं आपके गाने, तो मैंने देखा आपने गाने अपलोड किए थे, लोग नीचे लाइक मारते हैं, कमेंट मारते हैं, तो आप इनको बताना चाहते हैं कि कैसे हम उससे भी कमा सकते हैं? देखिए मैं जो गाने अपलोड करता हूँ वे अपनी खुशी से करता हूँ, करना की कमाई करने के लिए, लेकिन आजकल जो है लोग करोड़ों रुपए सोशल मीडिया से भी कमा रहे हैं, उसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे पता चलता है बच्चों से भाई एक लाइक के इतने पैसे मिलते हैं, एक कमेंट के इतने पैसे मिलते हैं, जिन बच्चों को सोशल एक्टिविटी, सोशल जो मीडिया आजकल चल रहा है, आजकल है ही सोशल मीडिया, दूसरा मीडिया तो खत्म ही हो रहा था। भरोसे बच्चे हैं सर, वो चलाना जानते हैं और कंपनियां कमाना जानती हैं। देखिए एक चीज और, मैं एक बात और सोशल मीडिया के बाद चलिए मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, आजकल जो है लोग जो है बड़े शैतान लोग हैं, वो कई कई ऐसी बातें बताते हैं आपको जिसमें आपको फंसा देते हैं। एक मेरा भाई है यहाँ पे, उसको एक कॉल आई भाई आपकी लॉटरी निकली है 5 करोड़ की, तो आप कैसा करो कि आप मुझे 5 लाख रुपया अभी ट्रांसफर कर दो, उसने 5 लाख किया, फिर उसने कहा 10 लाख कर दो, उसने 10 लाख किया, उसने कहा 25 लाख कर दो, 25 लाख किया, और लास्ट में वो बंदा क्या हुआ, पागल हो गया। ये शुक्र है भगवान का कि उसके पास जमीन थी करोड़ों रुपए की, तो बच गया, तो मेरे जैसा बंदा होता तो वो उसी वक्त खत्म हो जाना था। कोई भी पहले दिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ सर, मैंने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की और बोलते तू ये क्या करता है सर, तो मैंने कहा बोलते है तू फंसेगा किसी दिन, एक दिन जब वीडियो नहीं, नहीं उससे भी पैसे कमाए जाते हैं। हाँ, कमाए जाते हैं, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है वीडियो अगर अपलोड कर रही है तो अच्छी कर रही है, बुरी चीजें नहीं देखनी। देखिए नेट जो है सब कुछ दिखा रहा है, मेरा बच्चों से यही आग्रह है कि आप यूट्यूब अगर यूज करते हैं तो अपनी पढ़ाई के बारे में, नॉलेज के बारे में, और गलत बातों की तरफ मत जाना, क्योंकि अगर एक बार आप गलत बातों की तरफ चल पड़े ना तो फिर वो इतना गहरा कुआं होता है कि उससे बाहर आप कभी नहीं निकल पाओगे। आपकी छोटी छोटी उम्र है ना, हमें तजर्बा है इस बात का, आप वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पैसे कमा सकते हैं, आप सोशल मीडिया के पैसे, मैं मुझे इतनी जानकारी नहीं है लेकिन बच्चों को सारी जानकारी है, तो मैं ये कहता हूँ कि सोशल मीडिया की तरफ भी चलो आप। आप कुछ लोग जो है वो जैसे हमारे विनोद जी बैठे हुए हैं, ये अखबार के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, कुछ रिपोर्टर बनो। और मैं एक बार भूल गया था, मैं टीवी में जो आजकल वो न्यूज चैनल है आज तक उनके एंकर देखिए कितनी कितनी कमाई करें। आपको पता है अंजना कश्यप की कितनी सैलरी है? आपको पता है श्वेता सिंह की कितनी सैलरी है? करोड़ों रुपए सैलरी ले रहे हैं वो। ये कल चैनल शुरू हुए थे 98 में और आज 28 में अरबों रुपए में चैनल जा रहे हैं। आप इस तरफ ट्राई करो, आप न्यूज चैनल की तरफ ट्राई करो, आप ड्रामा में ट्राई करो। मैं ज्यादा वक्त आपका ले लिया मैंने, तो मैं यही लास्ट में कहूंगा कि टीचर नहीं बनना, बाकी सब कुछ बनना। थैंक यू। टीचर भी तो पूरा काम नहीं कर रहे, हमारा गोल जो है टीचर तक महदूद है ना, हम कहते हैं टीचर से ऊपर चलो, प्रिंसिपल बनो, एडीसी बनो, वीडियो बनो। सर आप यह बोल सकते हैं कि टीचर बनने के साथ साथ कुछ और सपने भी, मैं कह रहा हूँ टीचर का गोल मत रखना, इससे ऊपर का गोल रखना। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। हम एक ही बात कहना चाहेंगे, टीचर्स की बहुत इम्पोर्टेंस है, वही रास्ता दिखाते हैं हमारे स्टूडेंट्स, ये जो है आज जो स्टूडेंट्स हैं कल टीचर्स बनेंगे, आगे रास्ता दिखाएंगे आने वाले बच्चों को, तो टीचर्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ और जो आज टीचर हैं कल वो भी प्रिंसिपल हो सकते हैं। yes.